गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, और ये वर्कशीट आपके लिए 15 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन्ड इन द पास्ट। लुक एट दीज एग्जाम्पल। तो पास्ट टेंस में जो है, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसमें हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में हो चुके हैं। जैसे कि देखिए, टू फर्स्ट दिया गया है आपको, यूजेस और देन एग्जाम्पल। टू एक्सप्रेस कम्प्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी जो एक्शन पास्ट में कम्प्लीट हो चुका है उसके लिए। एग्जाम्पल, आई सॉ अ स्नेक लास्ट फ्राइडे, कि लास्ट फ्राइडे जो है मैंने क्या देखा था, एक स्नेक देखा था। तो ये जो है पास्ट में ये इवेंट हो चुका है, इसलिए इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें पास्ट टेंस का हम यूज़ करेंगे, हमने सॉ का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कम्प्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। सो अगर कई सारे काम जो है पास्ट में इकट्ठे किए हैं तो भी किसका यूज़ होगा, पास्ट टेंस का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड वर्क, वॉकड टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, पास्ट में हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था या थी, आई वॉच्ड लॉट्स ऑफ टेलीविजन एवरी डे आफ्टर स्कूल, तो स्कूल के बाद बहुत टीवी देखती थी, ठीक है। फोर स्टेटिव वर्ब्स लाइक हैव, ठीक है, जिसमें पोजिशन हो, बी, थिंक, नो, डिसलाइक, नीड, ओ, विश, इन सब के लिए किसका यूज़ होगा, इन सब के लिए भी पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ही हैड अ स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स, तो इसमें जो है क्या दिखाया गया है, ही हैड अ स्मॉल कॉटेज, एक स्मॉल कॉटेज थी वुड्स में, वुड्स यानी जो जंगल होता है, फॉरेस्ट को वुड्स बोला जाता है। सो ही हैड अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटी कुटिया थी, तो इसमें भी पास्ट टेंस का यूज़ किया गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है टू बी वर्ब्स, तो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, टू बी फॉर्म। वर्ब जो है इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ईडी लग जाएगा, पास्ट, ईडी लगने से क्या होगा, पास्ट जो है वर्ब बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल दिया गया है, दे वर फ्रेंड्स, ठीक है, वे फ्रेंड्स थे, एंड शी वॉकड यस्टरडे, तो इसमें क्या हुआ, वर्क की सेकेंड फॉर्म हो गई वर्कड, एंड शी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सो शी वर्कड यस्टरडे। उसके बाद इसमें देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट आएगा, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, दे वर नॉट फ्रेंड्स, वे फ्रेंड्स नहीं थे। जब हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, वर या वाज के साथ नॉट लगा देंगे, दे वर नॉट फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए, इसमें दिया गया है सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे, ठीक है, उसने कल जो है काम नहीं किया था, शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है टू बी फॉर्म को, तो हम क्या करेंगे, वाज वर्क को हम आगे ले आएंगे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर दे फ्रेंड्स, क्या वे फ्रेंड्स थे, वर दे फ्रेंड्स, एंड उसके बाद वर्ब फॉर्म में क्या होगा, डिड जो है, पास्ट टेंस में हमने जैसे प्रेजेंट टेंस में डू और डज किया था, डू डज हम आगे ले आए थे, इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब इन बेस फॉर्म, ठीक है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है शी, एंड वर्क, वर्ब की फॉर्म, बेस फॉर्म आएगी वर्क की, एंड यस्टरडे। सो आपने इसमें देखा बेटा कि जब हम जो है डिड नॉट और वर्ब की जो है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ईडी लगा के सिंपल जो है पास्ट टेंस बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है सिग्नल वर्ड, सिग्नल वर्ड के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, लाइक यस्टरडे, यस्टरडे यानी जो बीता हुआ कल, जो पास्ट फॉर्म होगी, आई मेट माई सिस्टर फॉर लंच यस्टरडे, मैं अपनी सिस्टर से जो है यस्टरडे मिला था फॉर लंच। लास्ट नाइट या वीक या ईयर की बात करेंगे तो भी हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, तो इसमें हमने देखे, डिड यू वॉच द गेम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, ठीक है, क्या तुमने लास्ट नाइट जो है गेम देखा था, या इट रेन्ड लॉट लास्ट वीक, लास्ट वीक बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इसके लिए क्या यूज़ किया हमने, हमने ई डी यानी पास्ट टेंस का जो है वर्ब की फॉर्म का यूज़ किया है, क्योंकि लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, तो इन सब के साथ भी पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट सिग्नल क्या दिया गया है, देखिए एट ऑन इन, अगर इनके साथ टाइम जो है वो किस में है, पास्ट में है, यानी बीत चुका जो समय है उसके साथ हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। द मेल केम एट 11 AM, तो देखिए एट उसके बाद पास्ट टेंस का जो है टाइम दिया गया है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, केम का यूज़ करेंगे। आई मूड, मूड सेकेंड फॉर्म, टू दिस सिटी ऑन September 1, 2015, तो ऑन के साथ जो है ये जो टाइम दिखाया गया है ये पास्ट टेंस का टाइम है, ठीक है, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मिरांडा ग्रेजुएटेड 5 years एगो, एगो यानी एगो का मतलब क्या है, बहुत पहले, बिफोर, ठीक है, तो 5 साल पहले वो ग्रेजुएट कर चुकी है। सो मिरांडा ग्रेजुएटेड 5 years एगो, तो एगो के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए किस तरह से जो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, और उसको हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ही मेट हिज वाइफ 6 years एगो, वह अपनी वाइफ से 6 साल पहले मिला था, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हमें नेगेटिव करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करते हैं। पर प्रेजेंट टेंस में हमने किसका यूज़ किया था, डू और डज का किया था, पास्ट टेंस के लिए हम डिड का यूज़ करेंगे। सो ही डिड नॉट मीट हर, ठीक है, तो हम किसका यूज़ किया हमने, ही डिड नॉट मीट हर। अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करते हैं, डिड जो है वो हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। सो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, अगर हमारे पास देखिए, डिड ही फील सैड यस्टरडे, क्या वह कल उदास जो है वो फील कर रही थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव है, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, सिंपल सेकेंड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट ग्रेजुएट, ठीक है, आई डिड नॉट ग्रेजुएट, क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड आगे आ जाएगा। डिड दे वॉच ए मूवी, तो ये अलग से सेंटेंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं बेटा, सेम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिड दे वॉच मूवी। नेक्स्ट देखिए, या इसका जो है यहाँ पे दिया गया है, डिड आई ग्रेजुएट, ओके, सेम सेंटेंस जो है क्वेश्चन फॉर्म में नीचे आपको दिया गया है, डिड आई ग्रेजुएट। दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ठीक है, सिंपल जो है पास्ट फॉर्म हो गई, दे वॉच्ड, अब नेगेटिव बनाया, दे डिड नॉट वॉच अ मूवी, दे डिड नॉट वॉच अ मूवी। अब हमने इसका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फॉर्म ये वाला दिया गया है जो हमने अभी पहले किया, डिड दे वॉच अ मूवी। नेक्स्ट है यू वेंट टू द बेड अर्ली, अब इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या कर देंगे, यू डिड नॉट गो, ठीक है, गो जो है गो वेंट गोन होती है ना, तो गो हमने पढ़ा था ना, नेगेटिव में बेस फॉर्म आएगी, तो गो टू द बेड अर्ली। डिड उसके बाद इसमें आपको देखिए सेम सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, डिड, अब हमने क्या किया, डिड को आगे ले आए, डिड यू गो टू द बेड अर्ली, बेस फॉर्म आएगी। नेक्स्ट करेंगे शी स्टडीड इन द लाइब्रेरी, नेगेटिव बनाएंगे, शी डिड नॉट स्टडी इन द लाइब्रेरी, शी डिड नॉट स्टडी इन द लाइब्रेरी, क्वेश्चन फॉर्म बनाएंगे, डिड शी स्टडी इन द लाइब्रेरी, तो पहले डिड आएगा उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब की जो है बेस फॉर्म। नेक्स्ट देखिए दे हैड डिनर लास्ट नाइट, दे हैड डिनर लास्ट नाइट, तो नेगेटिव फॉर्म करेंगे, दे डिड नॉट हैव डिनर, दे डिड नॉट हैव डिनर, और उसके बाद क्वेश्चन फॉर्म यहाँ पे दी गई है, डिड दे हैव डिनर लास्ट नाइट, तो हमने डिड को हम आगे ले आए, डिड दे हैव डिनर लास्ट नाइट। उसके बाद ही फेल्ट सैड यस्टरडे, ही फेल्ट सैड यस्टरडे का नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी बेटा आपको ऐसे जो है ना ये दिया गया है, सेम सेंटेंस साथ में नहीं दिया गया है, अब इसका सेंटेंस ये यहाँ दिया गया है, ही डिड नॉट फील सैड यस्टरडे, अगर हमने इसका नेगेटिव बनाया और अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो देखिए डिड ही फील सैड यस्टरडे, तो हर एक में डिड जो है आप देखिएगा सब में डिड जो है आगे आ गया, और इसमें हर एक में जो है डिड नॉट आएगा। उसके बाद देखिए वी मेड अ केक फॉर यू, वी डिड नॉट मेक अ केक फॉर यू, हाँ यहाँ पे मेड आया, यहाँ पे मेक आया, ठीक है, और इसका जो है अगर आप क्वेश्चन फॉर्म बनाएंगे तो डिड वी मेक अ केक फॉर यू, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए द पुलिस फाउंड सम क्लूज, द पुलिस फाउंड सम क्लूज, उसके बाद नेगेटिव फॉर्म है, द पुलिस डिड नॉट फाइंड एनी क्लूज, पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिला था, ठीक है, अब इसका जो है आप इंटरोगेटिव बनाओगे तो ये आ जाएगा, डिड द पुलिस फाइंड एनी क्लूज, कि क्या पुलिस को कोई क्लू मिला था, डिड द पुलिस फाइंड, ओके, फाइंड फाउंड, फाउंड जो है ये सेकंड फॉर्म आ गई। आई बिकेम ए टीचर 2 years एगो, ठीक है, आई बिकेम ए टीचर 2 years एगो, सो आई डिड नॉट बिकम ए टीचर, और इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म हो जाएगी, डिड आई बिकम अ टीचर। तो इस तरह से आपको समझना है, आपको यहाँ पर समझना है सिंपल जो पास्ट टेंस है हमारा,
उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो है हमारी सिंपल सेकंड फॉर्म आएगी, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हमारा डिड आएगा, और जो इंटरोगेटिव होगा उसमें हम डिड जो है वो आगे ले आएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करना है। सो आई के साथ यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया गया है आई, सो क्या आएगा, आई हियर्ड, साथ में आंसर कर दिए हैं मैंने, आई हियर्ड अ टेरिबल नॉइस लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट जो है बहुत टेरिबल नॉइस सुनी थी, तो हियर्ड। सेकेंड देखिए, रेनू इज़ वेरी सैड, हर डॉग डिसअपियर्ड यस्टरडे, ई डी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। अब ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, डिड को आगे ले आएंगे, डिड यू, और बेस फॉर्म हमारी टॉक ही रहेगी, डिड यू टॉक टू योर फ्रेंड लास्ट नाइट। नंबर फोर देखिए, हिज फ्रेंड रमेश वॉन, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, विन वॉन, ठीक है, वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसके फ्रेंड ने फर्स्ट प्राइज जीता था। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमें डिड आगे लेकर आना है, डिड यू कंप्लीट, अब कंप्लीट बेस फॉर्म आ जाएगी, कंप्लीट योर होमवर्क लास्ट वीक। नेक्स्ट नंबर सिक्स, आई डैश डाउन, आई सेट डाउन, टुक आउट अ नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्टेड टेकिंग नोट्स, तो इसमें आपको जो है यहाँ पे फॉर्म दी गई है, सेट टेक स्टार्ट, तो आपको क्या करना है, आई सेट डाउन, आई टुक आउट अ नोटबुक, मैंने निकाली थी एंड स्टार्टेड, और अपना काम जो है नोट्स जो है वो लेना शुरू कर दिया था, तो सब में जो है सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। वैन सेवेंथ है, वैन आई वॉज यंग आई प्लेड, सेकेंड फॉर्म, आई प्लेड विद मार्बल्स एवरी डे। शीतल डिड नॉट अटेंड, अटेंड ही आएगा, बेस फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस है। ही नंबर नाइन है, ही डैश टू हिज विलेज टू डेज एगो, वो दो दिन पहले जो है कहाँ गया था, विलेज गया था, ही वेंट टू हिज विलेज टू डेज एगो, तो गो के सेकेंड फॉर्म आएगी वेंट। नंबर टेन, इट रेन्ड हैवली लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट है तो क्या आ जाएगा, रेन्ड, ठीक, लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो बेटा ये सारी जो है आप अच्छे से समझ के इनकी जो आपकी वर्कबुक दी गई है उसमें से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ग्रामर की कोई भी आपको ग्रामर की बुक मिलती है वहीं से आपको टेंसेस जो है बहुत कॉमन है हर एक बुक में आपको मिल जाएंगे, तो उनकी जो एक्सरसाइज होती है वो आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और ये वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।